नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आपसे बहुत बढ़िया होंगे। बिल्कुल सही पढ़ा आपने, भारत के अंदर टाटा की गाड़ी से पंगा और देसी पहलवान से पंगा अगर आपने ले लिया तो आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। आज मैं बात करूँगा टाटा की गाड़ियों की मजबूती के बारे में कि क्यों अपना देसी लोहा सबसे मजबूत है सभी कार्स के अंदर और क्यों टाटा की कार्स को हमेशा 5 स्टार या 4 स्टार रेटिंग ही मिलती हैं। दोस्तों, इसका मेन रीज़न यह है, इसका जो प्लेटफॉर्म बना है काफ़ी हाई एंड स्टील से बना हुआ है और दूसरा जो टाटा की गाड़ियां हैं इनको पता है कि हमारे भारत की रोड कैसी हैं, यहां पर बढ़िया चीज़ कैसे मिलेगी। टाटा वालों को भी पता है कि हर एक इंडियन की लाइफ का बहुत बड़ा महत्व होता है उसकी फैमिली वालों के लिए। दोस्तों, ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए कि 400 लोग अप्रॉक्स टेंटेटिव पर डे डेथ हो जाती है उनकी भारत के अंदर रोड एक्सीडेंट्स के मामलों में। दोस्तों, ये वाला इंसिडेंट जो आप देख रहे हैं ये केरला का है और इसमें जो ऑनर होते हैं वो हाईवे में अच्छी खासी स्पीड में आ रहे होते हैं और सडनली उनको रोड के ऊपर एक लॉरी नज़र आती है। वो अपना बैलेंस नहीं कर पाते, जैसे ही वो गाड़ी को हल्का सा लेफ्ट टर्न लेते हैं बचाने के लिए तो गाड़ी जैसे ही रोड से नीचे उतरती है वो अपना कंट्रोल खो देते हैं और गाड़ी कई बार पलटी खाने के बाद नीचे जाके पेड़ से टकराती है। आप फोटो देख सकते हैं कि क्या उस समय कंडीशन रही होगी। और दोस्तों, जब ये गाड़ी नीचे पहुंचती है उसके बाद सारे पैसेंजर अपना आराम से बाहर निकलते हैं, उनको थोड़ी बहुत इंजरी जरूर आती है बट ये सारा क्रेडिट जाता है टाटा मोटर्स को कि उन्होंने इतनी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी बनाई है। क्या गाड़ी की हालत उस समय रही होगी क्योंकि इस गाड़ी के सारे एयरबैग खुल जाते हैं। केवल जो टाटा का लोहा है उसी की वजह से सारे पैसेंजर आज जिंदा हैं। दोस्तों, ये दूसरा वाक्य है, आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की गाड़ी है और इस गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं फ्रंट से कितनी भयंकर हुई पड़ी है। दोस्तों, ये गाड़ी जब एक्सीडेंट हुई उस समय जो वहाँ के चश्मदीद थे उनके मुताबिक ये गाड़ी 4 से 5 बार पलटी खाई और जो इस गाड़ी का सारा इम्पैक्ट आया है वो सारा फ्रंट साइड में ही आया हुआ है और अंदर से बिल्कुल सेफ है गाड़ी, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। अंदर केवल इसके एयरबैग खुल गए थे जो कि केवल साइड के थे और इवन इसके जो उसके फ्रंट के एयरबैग्स थे फ्रंट वाले वो नहीं खुल पाए। अभी गाड़ी पलटी तो साइड की तरफ से उसमें इफेक्ट पड़ा और अगर इसमें जो उसके सेंसर होते हैं अगर ये गाड़ी फ्रंट से हिट होती तो इसमें फ्रंट के एयरबैग खुल जाते। एयरबैग ना खुलने का कारण यही था कि गाड़ी फ्रंट साइड से हिट नहीं हुई। दोस्तों, वही आप इसका ना फ्रंट का ए पिलर देखें, दोनों फ्रंट के ए पिलर कितने बुरी तरह टूटे पड़े हैं, मतलब पूरे बैंड हो गए हैं और उसके बावजूद भी जो उसमें अंदर पैसेंजर थे बिल्कुल सेफ हैं। दोस्तों, ये बात तो मानना पड़ेगा कि टाटा मोटर्स बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। टाटा मोटर्स को हल्के में बिल्कुल मत लेना क्योंकि टाटा मोटर्स हमेशा अपनी क्वालिटी के लिए मशहूर है और मशहूर रहेगा। दोस्तों, जो अगला एक्सीडेंट है ये देख के प्लीज़ मत हंसिएगा क्योंकि ये जो अगला एक्सीडेंट है ये टाटा का और मारुति सुजुकी स्विफ्ट का हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि क्या हालत हुई पड़ी है इस न्यू स्विफ्ट गाड़ी की और ऐसा लग रहा है कि कितना भयंकर एक्सीडेंट हुआ। मतलब इस एक्सीडेंट को देख के आपको लगेगा, इस गाड़ी की पोजिशन को देख के आपको लगेगा कि कम से कम 100 से 150 की स्पीड में एक्सीडेंट हुआ होगा तब गाड़ी की ये हालत है। और दोस्तों, वही आप देखो कि जो ये टाटा की गाड़ी है इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, मतलब इसमें से लग रहा है कि केवल कोई चीज़ आके हल्की सी टच हुई होगी। और ये फ़र्क है टाटा मोटर्स के अंदर कि वो क्या रिलायबल चीज़ बनाती हैं भारत की रोडों के हिसाब से। दोस्तों, ये इंसिडेंट है फॉर्चुनर का और वही टाटा की सफारी का और फॉर्चुनर देख के आपको लग रहा होगा कि मतलब क्या भीषण एक्सीडेंट हुआ पड़ा है और फॉर्चुनर का फ्रंट बम्पर पूरा उठ गया है, आगे से ख़त्म हुई पड़ी है गाड़ी। और वही अगर आप उसको बैक साइड से देखें तो थोड़ी सी बॉडी खाली, जो उसका रियर डोर है पीछे का दरवाज़ा है वही उसमें ही फ़र्क पड़ा है। इवन टेल लाइट भी अपनी जगह पर है, टाटा का लोगो तो भाषा बिल्कुल नहीं हिला। तो आप देख सकते हैं कि टाटा क्या चीज़ बनाती है, मतलब फॉर्चुनर जो कि नंबर वन गाड़ी है मजबूती के मामले में भारत के अंदर, इसको कुछ भी नहीं हुआ और दोनों ही इस एक्सीडेंट के अंदर दोनों के दोनों ही जो ड्राइवर हैं दोनों सेफ हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।